दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए बयान मीडिया की सुर्खियों में है, जिस वजह से मीडिया की डिबेट इन मुद्दों पर देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो में बात उन डिबेट्स की करते हैं जिनमें भाजपा प्रवक्ता के जवाब को गोलमोल करने पर क्लास लगी हो। आज तक पर कंगना रनौत के मुद्दे पर डिबेट हो रही थी। इस डिबेट में विपक्षी प्रवक्ताओं ने कंगना के बयान को गलत बताया, जिस पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना का बचाव किया तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें करारा जवाब दिया कि ये व्यक्ति पर नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन पर, ये जो चल कंगना रनौत जो है बिगड़ी हुई एक लड़की है, उसने उसका जो बयान है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। तो ये जो महात्मा गांधी जी से लेके भगत सिंह के लेके सब लोगों ने, जितने लोगों ने बलिदान दिया, उनके बारे में कंगना रनौत कुछ जानती नहीं। वो कंगना रनौत जो है अपने घर संस्कार स्कूल बिल छोड़ के भागी हुई बेटी है, जिसको कोई संस्कार नहीं है, और जो घर से भाग कर सिनेमा में गई कि नाम कमाने, सिनेमा में ऐसी शोहरत नहीं मिलती। उन्होंने उन्होंने अरे आप चुप बैठी है, चुप बैठी है, चुप बैठी है। बिगड़ी हुई बेटी को स्वतंत्रता के आंदोलन में आपको दुख नहीं है, कंगना के ऊपर आपको दुख हो रही है, शर्म करो आप लोग, जरा शर्म। टाइम्स नाउ पर भी कंगना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल अभिनेता नासिर अब्दुल्ला से किया। जब वे जवाब दे रहे थे तो मानवीय तनेजा ने उन्हें बीच में टोका, जिसका उन्होंने मजाकिया तरीके से जवाब दिया। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि भारतवासियों को और जो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको एक्चुअली यह है कि कंगना को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी के में आके गलत बात जो है पेश कर दी है। पहले भी कर चुकी हैं, उन्होंने मुंबई को पीओके बताया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये बेकार की बात। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, आधा मिनट और मुझे बात करने देंगे। समस्त लोग का मुझे मालूम था ये होगा, कंगना रनौत के मुद्दे पर आज तक पर हुई डिबेट में विपक्षी नेताओं ने कंगना के बयान पर भाजपा का पक्ष जानने के लिए गौरव भाटिया से सवाल किया। जब वे जवाब को गोलमोल करने लगे तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें घेर लिया। हमारी आजादी के 75वें वर्ष में जो सारा देश मिलकर मना रहा है, एक औरत सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए, या तो पागलपंती है या सस्ती सुर्खियां बटोर रहा है, या फिर ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। वो कहती है कि आजादी तो भीख में मिली थी, जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू मिला हुआ है, उसको हम भीख मांगेंगे? उसको हम भीख कह सकते हैं? किंतु परंतु अपितु ना कहकर भाजपा इसका घोर खंडन क्यों नहीं करती है, और इसका भर्त्सना क्यों नहीं करती है? और सबसे ज्यादा, भाजपा ने इनको पद्मश्री किस बेसिस पर दी है? कंगना रनौत का मैं एक वीडियो बाइट अभी सुन रही थी, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा मुझे आदर्श नागरिक होने के लिए पद्मश्री दी गई। आदर्श नागरिक मुंबई को पीओके बताते हैं, आदर्श नागरिक देश की आजादी को भीख बताते हैं? उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक, आज तक पर कंगना के मुद्दे पर हुई डिबेट में जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा की आलोचना करनी शुरू की तो भाजपा प्रवक्ता ने उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने भाजपा प्रवक्ता को सुना दिया। देखिए अंजना जी, कौन से नेता क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, प्रज्ञा ठाकुर जी किसकी नेता है मुझे नहीं मालूम है, शायद इनको मालूम होगा कि आज सांसद होने के बावजूद भी घोड़से की मंचा करने के लिए आज भी वो डिफेंस कमेटी के मेंबर है। और अंजना जी, मेरी बात की शुरुआत में एक चीज कह के करूं, ये जो जिस नाम आप दे रहे हैं कंगना रनौत, ये सिर्फ मोरा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है? गांधी जी को गोली मारने वाले, आप गांधी जी की बीच में मत बोलिए। मैं बीच में मत नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, बौखलाए जाएंगे, मुझे मालूम था, मैं बीच में नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम कंगना रनौत के निवेदन की निंदा करते हैं, ये सरकार किसकी बरमूडा ट्रायंगल है? कि सरकार तो भाजपा की है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आज देशद्रोह का मुकदमा बनता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात की है, वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने मेरे नेता करके संबोधित किया था, और महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि ये मेरे राष्ट्रवादी से भी बड़े राष्ट्रवादी है, आज क्यों चुप बैठे हैं? उसको पद्मश्री दे रहे हैं? गलती उनकी नहीं है, वो मुखौटा है गांधी की विचारधारा को खत्म करने की। और आप कंगना के बयानों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।